हेलो एवरीवन, द क्वेश्चन हियर इज सॉर्ट द फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग क्विक सॉर्ट टेक्निक एंड लिस्ट इज गिवन हियर। फर्स्ट हम सॉर्ट में ये देख लेते हैं कि आखिर क्विक सॉर्ट टेक्निक है क्या। क्विक सॉर्ट यूजेज आइडिया ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्योर। डिवाइड एंड कॉन्क्योर में हम क्या करते हैं कि जो भी हमको प्रॉब्लम दी गई है इस प्रॉब्लम को पहले सब प्रॉब्लम के अंदर ब्रेक करते हैं, देन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद इन्हें कंबाइन कर लेते हैं तो हमको एक फाइनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। मीन सिंपली यदि हम बोले तो बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करके हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। अनदर थिंग, इट फॉलोज रिकर्सिव अल्गोरिथम। रिकर्सिव अल्गोरिथम मीन्स आपको सेम प्रोसीजर को बार बार रिपीट करना है। जैसा हमने देखा था कि हमने एक बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया, ओके तो जो मेथड आपको लगी है ओके एक प्रॉब्लम के ऊपर, सेम मेथड का आपको सब प्रॉब्लम के ऊपर भी बार बार रिपीट करना है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव एल्गोरिथम। क्विक सॉर्ट के अंदर हमारे पास रहेगा एक पिवोट एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट में मूव करेंगे ओके और स्कैनिंग करने के बाद लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जो एलिमेंट पायट एलिमेंट से छोटा होगा, स्मॉल होगा, वो आएगा लेफ्ट में, और जो एलिमेंट पायट एलिमेंट से बड़ा है, लार्ज है, वो आएगा राइट में। दी गई लिस्ट को हमने अरे की फॉर्म में यहाँ पे पुट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो हमको यहाँ पर अब इंडेक्स नंबर भी शो हो रहा है ओके जैसे कि 5 के लिए इंडेक्स नंबर है 0, 7 के लिए इंडेक्स नंबर है 1, 4 के लिए इंडेक्स नंबर है 3 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक पिवोट एलिमेंट ले लेते हैं, तो मैं 0 को ले लेता हूँ यहाँ पे पिवोट एलिमेंट। मैं 0 पे क्या रखा हुआ है, 5, ये हमारा रहेगा पिवोट एलिमेंट। अब लेफ्ट पोजिशन भी हम 5 को ले लेते हैं, ये हमारी लेफ्ट पोजिशन, और 7 इंडेक्स नंबर मीन्स 1 पे हमारी राइट पोजिशन। अभी हमारा पिवोट है लेफ्ट पे, डेट मीन्स हमको स्कैन करना है राइट से। राइट से स्कैन करना है मीन्स फर्स्ट हम स्कैन करेंगे इंडेक्स नंबर 7 पे रखे एलिमेंट को, देन 6 पे रखे एलिमेंट को, देन 5 पे, देन 4 पे, 3 पे, 2 पे एंड सो ऑन। तो हम स्टार्ट करते हैं राइट से, 7 पे क्या रखा है, 1। अब 1 को हमको कंपेयर करना है पिवोट एलिमेंट से, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ 5 को, ये 1 से बड़ा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो 1 है वो 5 से छोटा है। तो रूल्स क्या बोलते हैं कि यदि नंबर पिवोट एलिमेंट से छोटा है तो पिवोट एलिमेंट के लेफ्ट में आना चाहिए। तो 1 5 से छोटा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्वैपिंग। तो यहाँ पर हमने स्वैप कर दिया है ओके, 5 की प्लेस पे 1 और 1 की प्लेस पे 5। अब हमारा पिवोट एलिमेंट है राइट में, तो हम स्कैन करेंगे लेफ्ट से, फर्स्ट 0, देन 1, देन 2, 3, देन इंडेक्स नंबर 4 एंड 5 सो ऑन। अगर लेफ्ट में देखें 0 इंडेक्स पे रखा है 1, ऑलरेडी छोटा है पिवोट एलिमेंट से, देन रखा है 7 1 इंडेक्स पे, लेकिन जो 7 है ओके 7 ग्रेटर है पिवोट एलिमेंट से, और ग्रेटर एलिमेंट कहाँ पे आते हैं, पिवोट एलिमेंट के राइट में। डेट मीन्स 7 और 5 आपस में स्वैप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 और 7 को स्वेप कर लिया। अब हमारा पिवट एलिमेंट है लेफ्ट में, हम स्कैन करना शुरू करेंगे राइट से। अगर हम राइट में देखें तो 7 तो हम स्कैन कर चुके थे, अब 7 के बाद क्या है, 8। लेकिन 8 क्या है, ग्रेटर है वो पिवट के राइट में, कोई इशू नहीं। देन क्या है, 2, और 2 क्या है, स्मॉल है बट पिवट के राइट में है ओके। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 2 को पिवट एलिमेंट के लेफ्ट में रखेंगे, बिकॉज स्मॉल एलिमेंट पिवोट के लेफ्ट में आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2 एंड 5 को स्वेप कर दिया। अब पिवोट एलिमेंट राइट में है, हम स्कैन करेंगे लेफ्ट से। तो अगर लेफ्ट से हम देखें इंडेक्स नंबर 2 पे जो 9 रखा है, ये 5 से ग्रेटर है, मीन्स पायट एलिमेंट से ग्रेटर है, और ग्रेटर एलिमेंट कहाँ पे आते हैं, पायट के राइट में। तो हम दोनों को स्वेप कर देंगे, तो हमने 5 एंड 9 को स्वेप कर दिया। अब हम स्कैन करेंगे राइट से। अगर हम राइट से स्कैन करें तो इंडेक्स नंबर 3 पे रखा है 4, एंड 4 इज़ स्मॉलर देन
फाइट एलिमेंट, इस केस में क्या होगा, दोनों का स्वेप हो जाएगा बिकॉज स्मॉल होना चाहिए लेफ्ट में। तो हमने फोर एंड पाइट एलिमेंट को आपस में स्वेप कर दिया। अब यदि हम पाइट के लेफ्ट से स्कैन करें तो सारे एलिमेंट पाइट एलिमेंट से छोटे, और अगर राइट से स्कैन करें सारे एलिमेंट पाइट एलिमेंट से बड़े हैं। डेट मीन्स हमारा जो फाइव है ये आ चुका है करेक्ट पोजिशन पर। और जब पाइट एलिमेंट करेक्ट पोजिशन पर आ जाता है तो उसके लेफ्ट में जो लिस्ट है वो एक सब लिस्ट में डिवाइड हो जाती है, और राइट में जो एक लिस्ट है वो भी एक सब लिस्ट में डिवाइड हो जाती है। इस केस में हमारे पास दो सब लिस्ट है। ओके, अब इन दोनों सब लिस्ट पे हमको सेम वही प्रोसेसर लगानी है जो प्रोसेसर हमने पूरी लिस्ट के ऊपर लगाई थी। अब हमें राइट सब लिस्ट में से किसी एक आइटम को पाइट एलिमेंट बनाना है तो हम इंडेक्स नंबर फोर पे जो 10 है इसे हम बना लेते हैं पाइट एलिमेंट। ये हम पे डिपेंड करता है, हम किसी भी एलिमेंट को पाइट एलिमेंट बना सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट को बना लिया। अब लेफ्ट में पाइट एलिमेंट है तो हम स्कैन करेंगे सब लिस्ट के राइट से। ओके, तो पाइट को जब हमने इंडेक्स नंबर 7 से स्कैन किया तो 7 इज स्मॉलर देन पाइट एलिमेंट, और स्मॉल एलिमेंट कहाँ पे आते हैं, हमेशा लेफ्ट में आते हैं पाइट एलिमेंट के। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 7 और 10 को स्वेप कर देंगे। अब पाइट एलिमेंट राइट में है तो हम लेफ्ट से स्कैन करना शुरू करेंगे। अगर हम लेफ्ट से देखें तो ऑल द एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन पाइट एलिमेंट, मीन्स हमको स्वेप करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, और राइट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। डेट मीन्स जो 10 है मीन्स पाइट एलिमेंट है अपनी करेक्ट पोजिशन पे आ चुका है। अब यदि हम देखें 10 के राइट में तो कोई सब लिस्ट नहीं है पर लेफ्ट में एक सब लिस्ट हमको मिली है, तो इस सब लिस्ट में से किसी एक एलिमेंट को हम पाइट एलिमेंट बनाएंगे। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट मीन्स 7 को यहाँ पे क्या करता हूँ, जो इंडेक्स नंबर 4 पे है, पाइट एलिमेंट बना देता हूँ। अब हम इस सब लिस्ट के राइट से स्कैन करना शुरू करेंगे। तो इस केस में राइट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, इंडेक्स नंबर 6 वाला। तो यहाँ से यदि हम स्कैन करें ओके, तो फर्स्ट जो नंबर है 8 वो 7 से ग्रेटर है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ओके, पोजिशन करेक्ट है। देन अगर हम नेक्स्ट देखें तो क्या है, 9, 9 भी 7 से ग्रेटर है, मीन्स स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, अब कोई एलिमेंट बचा ही नहीं। और इस सब लिस्ट के लेफ्ट में तो कोई नंबर है नहीं 7 के अलावा, दैट मीन्स जो 7 है, 7 है करेक्ट पोजिशन पे। तो हमको 7 के राइट में एक सब लिस्ट मिलेगी। अब हमें क्या करना है कि इस सब लिस्ट के अंदर किसी एक को पाइट एलिमेंट बनाना है, तो हम इंडेक्स नंबर 5 पे जो 9 है उसको बनाते हैं पाइट एलिमेंट। अब इस सब लिस्ट के राइट से हम स्कैन करेंगे, राइट मोस्ट इंडेक्स नंबर कौन सा है, 6। ओके, यहाँ पर क्या रखा है, 8, एंड 8 इज स्मॉलर देन पाइट एलिमेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्वेप। तो हमने 8 और 9 को आपस में स्वेप कर दिया। अब यदि हम लेफ्ट से स्कैन करें तो कोई नंबर ही नहीं है 8 के अलावा जो ऑलरेडी स्कैन हो चुका है, और राइट में भी कोई नंबर नहीं है जिसको हम 9 से कंपेयर कर सकें। डेट मीन जो 9 है वो आ चुका है करेक्ट पोजिशन पे। अब यदि हम देखें तो 9 के लेफ्ट में एक ही सब लिस्ट है, मीन्स एक ही नंबर है, और एक ही नंबर है मीन्स कोई कंपेयर करने के लिए है नहीं। डेट मीन्स जो 8 है वो अपनी करेक्ट पोजिशन पे है। तो जो पाइट एलिमेंट बन चुके हैं जिनको हमने रेड सर्कल में रखा है ये हो चुके हैं फिक्स, मीन्स ये आ चुके हैं करेक्ट पोजीशन पे। किन अभी बची हुई है लेफ्ट वाली सब लिस्ट जिसमें नंबर्स थे 1 to 4, इनको हमको शॉर्ट करना है। सेम मेथड लगाएंगे, किसी एक नंबर को प्योर एलिमेंट ले लेंगे, तो हम इंडेक्स नंबर 0 पे जो 1 है इसको प्योर एलिमेंट ले लेते हैं। स्कैन करेंगे इस सब लिस्ट में राइट से, तो राइट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, इंडेक्स नंबर 2 पे। यदि हमने कंपेयर किया तो प्योर एलिमेंट से बड़ा है 4, ओके, देन इंडेक्स नंबर 1 पे 2 भी प्योर एलिमेंट से बड़ा है, तो स्वेप करने की ज़रूरत नहीं है। अब यदि हम लेफ्ट से स्कैन करना शुरू करें तो प्योर के लेफ्ट में कोई नंबर ही नहीं है, डेट मीन्स जो 1 है वो अपनी करेक्ट पोजिशन पे। अब प्योर के लेफ्ट में कोई सब लिस्ट नहीं है, 1 सब लिस्ट राइट में जिसमें 2 and 4 नंबर है। अब इस केस में अगेन हम क्या करेंगे, इस सब लिस्ट के अंदर किसी एक को प्योर एलिमेंट बना देंगे, तो मैं इंडेक्स नंबर 1 पे जो 1 2 रखा है उसको बनाता हूँ प्योर एलिमेंट। अब हम स्कैन करेंगे राइट से, तो राइट मोस्ट में क्या है, इंडेक्स नंबर 2 पे रखा हुआ 4, एंड 4 इज ग्रेटर देन प्योर एलिमेंट, तो स्वेपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और लेफ्ट में कोई नंबर ही नहीं है, डेट मीन्स 2 ऑन करेक्ट पोजिशन। नेक्स्ट एक ही सब लिस्ट बची जिसमें एक ही नंबर है 4, मीन्स अब हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं बिकॉज एक ही नंबर है, तो ये जो सिंगल नंबर है डेट मीन्स ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे है बिकॉज लेफ्ट टू राइट में कुछ कंपेयर करने को है ही नहीं।
क्विक सॉर्ट में हमने यूज़ किया प्योर टेलीमेंट का, और प्योर टेलीमेंट क्या कर रहा था, हर लिस्ट को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा था, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। तो प्योर एलिमेंट को पार्टीशन एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और जब प्योर एलिमेंट किसी लिस्ट को डिवाइड करता था, फॉर एग्जांपल लेफ्ट एंड राइट में, तो हर सब लिस्ट इंडिपेंडेंट रूप से खुद को एग्जामिन करती थी, और अगेन प्योर एलिमेंट क्या करता था, टू पार्ट के अंदर सब लिस्ट को डिवाइड करता था। तो ये था क्विक सॉर्ट टेक्निक। यदि आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, नेक्स्ट एपिसोड में उस डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और न्यू क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।